देश के अंदर टूरिज्म का हाल इतना बेहाल है, लोग आना नहीं चाहते यहाँ पर। 60 लाख लोग सारे साल में आते हैं, 60 लाख तो बैंकॉक में एक महीने में पहुंच जाते हैं। यहाँ से दुगना जा रहे हैं वहाँ। मैं देख रहा हूँ कि जितना यहाँ आ नहीं रहे हैं, हिंदुस्तान से दूसरे के देशों में दुगना उसके नंबर पे जा रहे हैं। तो ये सही है, बेहाल इसलिए है कि सरकार का और राज्य सरकार का ये एजेंडा ही नहीं है। जो टूरिस्ट मिनिस्टर बनता है वो अलग रोता रहता है कि पता नहीं कहाँ हम आके ऐसे ही हो गए। न उनके बजट होते हैं, न उनका कोई बहुत दूरगामी योजना होता है। 1000 करोड़ का बजट के अंदर है, उसमें 25% सैलरी तो उसके ऊपर खर्च हो जाता होगा। आपके दफ्तर विदेशों के अंदर इतने पर लिटरेचर कहीं नहीं मिलता, प्रोपेगेंडा कहीं भी नहीं होता। तो आपको लगता नहीं केंद्र के अंदर भी मंत्री तो बड़े बड़े रहे, हाँ, परंतु काम करने के लिए ये अगर इतने वर्षों में 1000 पहुंचा है, हाँ, तो ये भी मैं मानता हूँ स्टिल इट्स ए सनराइज सेक्टर, अभी बहुत काम बाकी है। अभी आजकल CWGs के स्कैंडल बहुत हो रहे हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं। उसके अंदर हमने स्टडी किया कि होटल सैंक्शन किए गए दिल्ली के अंदर, 21-22 लगभग होटल बने थे, और जो फिगर निकाली 21 में से एक भी होटल तैयार नहीं हुआ, और टोटल 70 लोग एक होटल में ठहरे थे। अल्टीमेटली अच्छी गेम हुई, ये बहुत अच्छी गेम हुई, लेकिन इतना तीता और इतना खट्टा कर दिया पूरे गेम के तैयारियों को कि टूरिस्ट आ ही नहीं। टूरिज्म में पैसा तो बहुत है वैसे, पैसा तो बन सकता है बहुत बहुत बन सकता नहीं, पॉलिटिशियन का भी बन सकता है। पॉलिटिशियन तो हर जगह बनाने की कोशिश में रहता ही, बना लेता है, लेकिन टर्नओवर पे बनाए ना। हाँ, टर्नओवर पे बनाए, टर्नओवर पे बनाए, प्रोजेक्ट ना खा जाए। टूरिज्म के लिए खाली एक होटल की जरूरत नहीं है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 1.5 लाख रूम की अभी कमी है। अगर हम आज जब टूरिस्ट नहीं है, कमी कहाँ से है? नहीं, अभी भी अगर जो कहा जाए कि बजट होटल में, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म भी बहुत बड़े पैमाने पे मूव कर रहा है, तो उनके कंफर्ट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बजट होटल हमें चाहिए। और अगर इसको हम 1% तक पहुंचा दें, जो आपने कहा कि 50-60 लाख तक ही है, अगर 1% पहुँचा दें तो कम से कम 5 लाख होटल रूम हमें चाहिए। वहाँ जो रांची में हो रहा है आपके उत्तराखंड झारखंड के अंदर, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप लोग ही तो हैं ना कि नहीं? आई डोंट नो क्या हो रहा है। झारखंड राज बना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये दो राज छत्तीसगढ़ उत्तराखंड कहाँ से कहाँ चले गए। झारखंड बद से बदतर हो गया। तो मुंडा जी, आप मुंडा जी जीते कैसे? एफिशिएंट मुंडा जी को, मुंडा जी को 1 तारीख को मैंने फोन करके समझाया था कि आप एक कट ऑफ ईयर डिक्लेयर कीजिए और अपना रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाइए। वो चले गए जर्मनी में, जहाँ एक स्कूटी का कारखाना नहीं लगा 10-11 साल में झारखंड में, वो मार्सिडीज का कंपनी लाने जर्मनी। सुबोध कांत सहाय का सपना क्या? सुबोध कांत सहाय इस मंत्रालय में है, इस मंत्रालय को हम और देश को हम एक टूरिस्ट हेवन के तौर पे दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में आओ, शादी करोगे, अस्थाई रहेगा, टिकाऊ रहेगा, ये हमारी परंपरा का उपलब्धि है। तो ये स्वर्ग भी बनाना चाहते हैं और हनीमून का अड्डा भी बनाना चाहते हैं।